कॉमनवेल्थ रेसलिंग गोल्ड मेडलिस्ट रितु फोगाट एक नामी रेसलिंग फैमिली से आती हैं। उनके पिता महावीर सिंह फोगाट एक लेजेंडरी कोच रहे हैं। रितु फोगाट ने 2016 में कॉमनवेल्थ रेसलिंग चैंपियनशिप्स में गोल्ड मेडल और 2017 में एशियन चैंपियनशिप्स में ब्रॉन्ज मेडल और अंडर 23 वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में सिल्वर मेडल भी जीता है। फरवरी 2019 में खबर आई कि रितु फोगाट रेसलिंग को छोड़कर मिक्स मार्शल आर्ट्स में स्विच कर रही हैं। इस डिसीजन के बाद उनको तीन चैलेंजेस फेस करने पड़े। सबसे पहला तो एमएमए में ट्रांजिशन के लिए उनको अपनी जिंदगी इंडिया में छोड़कर सिंगापुर शिफ्ट होना पड़ा। दूसरा था कि भाई एमएमए के न्यू टेक्निक्स को सीखना और नए चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना, और तीसरा मेंटल ब्लॉक को हटाना, क्योंकि ओपोनेंट्स को पंच करना होता है एमएमए में, लेकिन रेसलिंग में ये अलाउड नहीं होता है। रितु फोगाट का कहना है कि जब वो रिंग में एंटर करती है तो वो अपने ओपोनेंट के एज एक्सपीरियंस के बारे में नहीं सोचती, अपने स्ट्रेंथ्स के ऊपर फोकस करती है। और हम लोग भी उनसे यही सीख सकते हैं कि अगर हम अपने स्ट्रेंथ्स के ऊपर फोकस करके काम करें तो जिंदगी में बहुत आगे बढ़ सकते हैं।